कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक है माइक्रोफोन्स एंड लाउड स्पीकर्स। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ऐसी डिवाइसेस का अध्ययन किया जाता है जैसे टेलीविज़न, कैमरा, कैलकुलेटर, वीसीआर, डीवीडी वगैरह, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड का यूज़ करके बनाई जाती हैं और डेली यूज़ में आती हैं। तो एक तरह से डेफिनेशन कह सकते हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर्स टू द डिवाइसेस कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स फॉर एवरीडे यूज बाय इंडिविजुअल्स लाइक टेलीविजन, डिजिटल कैमरा, कैलकुलेटर, वीसीआर, डीवीडी, ऑडियो डिवाइस, हेडफोन्स। अब माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर के बारे में जानने से पहले पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड मतलब ध्वनि की अभिलक्षण। तो पहले तो ध्वनि जो हम अपने वातावरण में जो भी ध्वनि हम सुनते हैं वो वायु में छोटे छोटे दाब परिवर्तनों के रूप में ट्रांसमिट होती है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि वातावरण में जितने ध्वनियाँ हम सुनते हैं वह वायु में बहुत छोटे छोटे दाब परिवर्तनों से उत्पन्न होती है और उन्हीं दाब परिवर्तनों के माध्यम से वो उस मीडियम में ट्रांसमिट भी होती है। सेकेंड थिंग, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव विच कंटेन कंप्रेशंस एंड रिएक्शंस। मतलब साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और इसमें कंप्रेशन मतलब संपीड़न और रिफ्रैक्शन मतलब विरलन होते हैं। जो इस पिक्चर से आप देख सकते हैं, कंप्रेशन मतलब जहां मीडियम के पार्टिकल्स दबे हुए हैं, मतलब जहां पे दाब ज़्यादा है वो संपीड़न है, जहां कम है वो विरलन है, रिफ्रैक्शन है। मतलब जो आपकी साउंड है वो इस मीडियम में इस तरह से चल रही है। तो साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिस डायरेक्शन में प्रोपेट कर रही है उसी डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स उसी डायरेक्शन में है। कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं जैसे कि वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी। इन चीज़ों में सबसे पहले देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड वी है, टेम्परेचर टी है, केल्विन में होता है, वी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। सेकेंड थिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उतना ही ज़्यादा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन भी बढ़ेगा। तो हम एक तरह से एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड को दाब की मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड का जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल या माइक्रोबार या डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है, जहाँ पर पास्कल एक तरह से 10 माइक्रोबार होता है और इंटेंसिटी की बात करें ध्वनि की तीव्रता उसको वाट पर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिबल में भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पावर है डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे नॉर्मल सभी जानते हैं कि लॉगरिथमिक स्केल पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 लॉग बेस 10 पी, और यदि दो पावर्स के बीच में रेशियो निकालना है तो जनरली जैसे निकाल जाता है वैसे ही 10 लॉग 10 पी टू बाई पी वन। अब अलग अलग तरह की ध्वनि की अलग अलग तीव्रताएँ होती हैं और उसमें यदि स्टार्टिंग की बात करें तो मनुष्य जो कम से कम कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए ध्वनि की कि वो उसे सुन सके, उसे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहेंगे। और उसके बाद कन्वर्सेशन की है और आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन या फिर आपकी जैसे ट्रैफिक की साउंड है या वो साउंड ऑफ ऑटोमोबाइल है या नॉर्मल स्पीच विस्परिंग, उस सब की साउंड भी अलग अलग सबकी तीव्रता है। तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग और थ्रेशोल्ड ऑफ पेन की बात करें तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग जो है मिनिमम साउंड है जो जस्ट ऑडिबल साउंड कहलाती है। उसकी जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है 20 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और इंटेंसिटी की वैल्यू 1 × 10⁻½ वाट पर मीटर स्क्वायर या फिर 0 डेसिबल होती है। थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का मतलब हुआ है कि ऐसी ध्वनि जो मनुष्य के कान में वेदना उत्पन्न करती है, मतलब दर्द उत्पन्न करती है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाए तो उसके ऊपर वो सुन नहीं पाएगा। 63 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है इसकी जो एम्पलीट्यूड है, और इंटेंसिटी की बात करें तो 1 × 10 वाट होती है या फिर 130 डेसिबल होती है। इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी होती है लाउडनेस। किसी साउंड की इंटेंसिटी मतलब तीव्रता हमने देखी वाट पर मीटर स्क्वायर में होती है, वो हम जब बोल रहे हैं वो अलग होती है और जब जो दूसरा व्यक्ति जिसको सुनना है जिसके लिए बोल रहे हैं वो हो सकती है उसको अलग सुनाई दे। तो एक तरह से हमारी जो इंटेंसिटी साउंड की है जो जनरेट की गई सोर्स की, वो ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए जिस पर जो कानों पर रिसीव हो रही है वो सेम हो। तो एक्चुअली जो हमारी कानों द्वारा जज की जाती है किसी साउंड की इंटेंसिटी वो कहलाती है लाउडनेस। लाउडनेस इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड जज्ड बाय ईयर्स।
अब जज का मतलब क्या है, वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है भाई। जो हमारे कान हैं हम जानते हैं कि वो फ्रिक्वेंसी के लिए भी सेंसिटिव होते हैं, जो कम फ्रिक्वेंसी है उसके लिए लेस सेंसिटिव होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो यदि हमें सेम लाउडनेस प्रोड्यूस करनी है लो फ्रिक्वेंसी के लिए, तो हमें इंटेंसिटी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू हाई फ्रिक्वेंसी। अब इसकी दो यूनिट हैं, फोन और सोन। वो एक तरह से इंटेंसिटी के ही टर्म्स में कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। उनकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की जो लाउडनेस है, मतलब साउंड की इंटेंसिटी की लाउडनेस 1000 हर्ट्ज़ पर है, उसे फोन कहते हैं। और सोन जो होता है वो 1000 हर्ट्ज़ पर 40 dB द्वारा उत्पन्न लाउडनेस कहते हैं। सोन और फोन की यूनिट्स में एक रिलेशन होता है, सोन को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, फोन को पी से। इसका फॉर्मूला जो लिखा हुआ ये होता है 10 log L = P - 40 log 2। जो लॉग है वो 10 बेसिस पे है या नॉर्मली ई बेसिस पे है। तो जो हमारा ये लिखा हुआ है ये हमारा 10 बेसिस पे लिखा हुआ है, 10 log base 10 L = P - 40 log base 10 2। अब इसको लेकर एक आपके लिए क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, जिसमें पी की वैल्यू या और एल की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपको दी होगी और दूसरे की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि सोन की वैल्यू दी हुई है, फोन की वैल्यू कुछ वैल्यू बताई गई है, कुछ आपको निकालनी है। जस्ट फॉर्मूले में पुट करके निकाले जा सकते हैं इजीली। अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी है, ओवरटोन एंड टिम्बर। हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वाद्य यंत्र की जो आवाज़ है वो प्योर साइनसोइडल नहीं होती है। तो एक्चुअली होता क्या है, साउंड वेव्स ऑफ स्पीच एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट प्योर साइन वेव बट मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज एंड देयर हार्मोनिक्स 2F, 3F एंड सोन एंड अदर फ्रिक्वेंसीज F2, F3 एंड सोन। मतलब इसका सीधा सा ये है कि किसी भी व्यक्ति की आवाज़ हो या किसी वाद्य यंत्र की जो ध्वनि है वो प्योर साइन वेव नहीं होती है, बल्कि उसमें कुछ कुछ तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होंगी, जैसे साइन ओमेगा टी और या फिर साइन 2 ओमेगा टी, साइन 3 ओमेगा टी या फिर साइन ω1t, साइन ω2t, साइन ω3t, इस तरह का मिक्सचर रहेगा। अब इसमें जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से अलावा जो फ्रिक्वेंसीज हैं उन्हें कहते हैं ओवरटोन, अधिस्वर कहते हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी है या फिर अदर फ्रिक्वेंसीज हैं, तो ये ओवरटोन कहलाती है। अब एक चीज़ हम जानते हैं सभी कि यदि हमने किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनी हुई है और यदि हमें उसकी आवाज़ बाद में सुनाई दे, जो हमारा परिचित है, तो उसकी आवाज़ हम पहचान जाते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिविजुअल की वॉइस को हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी टिम्बर प्रॉपर्टी कहलाती है, और टिम्बर प्रॉपर्टी का डायरेक्ट रिलेशन होता है ओवरटोन से, मतलब अधिस्वर से उसका रिलेशन होता है। अब दो टर्म्स और हैं जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं, ऑक्टेव एंड डिकेड। ऑक्टेव एक तरह से हमारा दोगुने से रिलेटेड होता है, डिकेड जो है टेन से रिलेटेड है। ऑक्टेव नंबर किसी भी दो फ्रिक्वेंसीज के रेशो की बात करें तो उसको ऑक्टेव और डिकेड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉग 2 F2/F1 नंबर ऑफ ऑक्टेव बताएगा और लॉग 10 F2/F1 नंबर ऑफ डिकेड बताएगा। एक प्रॉपर्टी होती है रिवर्बेशन। रिवर्बेशन का मतलब होता है अनुरणन। अनुरणन एक तरह से एक सुनने में इको जैसा ही है, लेकिन वो इको से डिफरेंट होता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इको। लेकिन होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ साउंड फॉर सम टाइम इन अ हाउस ड्यू टू कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। मतलब रिवर्बरेशन क्या है, किसी घर में किसी भवन में लगातार रिफ्लेक्शन के कारण ध्वनि का कुछ समय तक विद्यमान रहना ही अनुरणन कहलाता है। मतलब जैसे किसी हॉल में, ऑडिटोरियम में कोई हम कोई वाक्य बोलते हैं या कोई संगीत स्वर चल रहा है, तो वो तब तक सुनाई देता रहेगा जब तक कि वो उसकी इंटेंसिटी दीवारों से बार बार परावर्तित होकर इतनी कम ना हो जाए कि वो सुनने ना जा सके, मतलब दीवारों से टकरा कर वापस सुनाई देती रहेगी। ये बहुत ज़्यादा समय तक भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा रिवर्बरेशन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि पता चला हमने दूसरा सेंटेंस बोल दिया लेकिन हमारे जो श्रोता है उनको पहला सेंटेंस उसकी ही गूंज या उसका अनुरणन सुनाई दे रहा है। तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए दीवारों पर कुछ अवशोषक पदार्थ जो लगाएंगे, मतलब उनको दीवारों को अवशोषक पदार्थ से ढक दिया जा सकता है जो कि उसको अवशोषित कर लेगा, जैसे कि आपका फाइबर बोर्ड है, कच्चा प्लास्टर इत्यादि जो अच्छे अवशोषक हैं। अब लेकिन इसको बहुत ज़्यादा खत्म भी नहीं कर सकते, वरना जो ध्वनि है वो पूर्णतया नीरस और निर्जीव टाइप की हो जाती है। और लेकिन इको का अंतर क्या है इससे, डिफरेंट फ्रॉम इको। इको में क्या होता है, जो ओरिजिनल साउंड है और जो इको है, मतलब प्रतिध्वनि है, उन दोनों के बीच में गैप होता है, लेकिन जबकि रिवर्बरेशन के अंदर ध्वनि जो है वो कंटिन्यूस आती रहती है, ये इसमें अंतर होता है। इको जो स्पष्ट प्रतिध्वनि है वो वांछित नहीं है, लेकिन जो रिवर्बरेशन है वो वांछित होता है। इसके बाद हम एक बेसिक चीज जो कि
नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो उसका केवल बेसिक बता रहे हैं अभी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें पब्लिक मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ संबोधित किया जा सके। जैसे कि हम स्टेज कार्यक्रम में देखते हैं, रेलवे स्टेशन में देखते हैं, जलसवादी में पब्लिक एड्रेस सिस्टम देख सकते हैं। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम का बेसिक प्रोग्राम इसमें दिखाया गया है। इसमें क्या है कि कोई इनपुट साउंड वेव आ रही है जो सोर्स से आती है, जैसे कि कोई हमारे पर्टिकुलर मंच पर व्यक्ति बोल रहा है, उसकी आवाज़ है वो साउंड वेव है। उसके बाद वो माइक्रोफोन से हो जाती है, जिसे माइक भी कहते हैं इन शॉर्ट में। माइक्रोफोन क्या करेगा, इस साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट करता है, मतलब साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एक तरह से ट्रांसड्यूसर का काम करता है। अब जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम उसको वोल्टेज एम्पलीफायर, प्रोसेसिंग सर्किट्स और पावर एम्पलीफायर के थ्रू पास करते हैं, जिससे वो इतने लेवल पर पहुंच जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है, ताकि वो उसके आगे लगे हुए लाउड स्पीकर को ड्राइव कर सके। लाउड स्पीकर से हमारी आउटपुट एम्पलीफाइड साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब लाउड स्पीकर जो है एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये बेसिक आइडिया है सिंपल पब्लिक एड्रेस सिस्टम का। बाकी अब मेन माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन एक तरह से ट्रांसड्यूसर है, जो हमने बताया कि इसमें साउंड वेव्स आ रही हैं, जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है, उसके आगे वो ऑडियो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो माइक्रोफोन इज अ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स वेरिएशन ऑफ साउंड प्रेशर इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब क्या है कि माइक्रोफोन एक ट्रांसड्यूसर है जो ध्वनि के दाब परिवर्तनों को समान आवृत्ति और कला के विद्युत तरंगों में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड वेव की उतनी होगी और जो उसके बाद आउटपुट आया है माइक्रोफोन का इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी इनफेज सेम होती है। एम्पलीट्यूड की भी बात करें तो एम्पलीट्यूड जो है ध्वनि दाब परिवर्तनों के समानुपाती होगा, मतलब जो रेशियो आएगा एम्पलीट्यूड का, जो उसकी दो पर्टिकुलर मोमेंट्स पे था, टाइम पर था, वो इसमें भी उतना ही रहेगा। और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। माइक्रोफोन एक तरह से कह सकते हैं कि ध्वनि वैद्युत ध्वनि ट्रांसड्यूसर है, मतलब इलेक्ट्रो अकोस्टिक ट्रांसड्यूसर है, मतलब इलेक्ट्रिकल और साउंड एनर्जी के बीच का कन्वर्जन करता है। और ट्रांसड्यूसर की बेसिक डेफिनेशन ये है कि वो एक तरह की एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी मेंटेन करता है। अब हमें माइक्रोफोन के टाइप्स पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में एक्चुअली कार्बन माइक्रोफोन या फिर आपके अदर माइक्रोफोन्स हैं, जैसे कि अब इसमें जितने भी माइक्रोफोन्स हैं उन सबको जानने से पहले कौन सा माइक्रोफोन हम कहाँ यूज कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है, तो ऐसा क्यों होता है, उससे उन सबको जानने से पहले पता जरूरी होना चाहिए कि माइक्रोफोन की विशेषताएँ क्या क्या होती हैं, माइक्रोफोन की मेन स्पेसिफिकेशन क्या होती है, मेन स्पेसिफिकेशन ऑफ ए माइक्रोफोन। तो सबसे पहले हमारे पास ये छह मेन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं माइक्रोफोन की। नंबर वन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी को एक तरह से संवेदनशीलता कह सकते हैं हिंदी में। सेकंड होती है एनआर, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स या फिर आवृत्ति अनुक्रिया कह सकते हैं। फोर्थ वन इज डिस्टॉर्शन विरूपण। फिफ्थ वन इज डायरेक्टिविटी एंड सिक्स्थ वन आउटपुट इम्पीडेंस या आउटपुट प्रतिबाधा। इन सब प्रॉपर्टीज के आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सा माइक्रोफोन कहाँ यूज करना है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।